गुड मॉर्निंग बच्चों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 4 में हम हिंदी विषय का प्रथम सत्र में अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पार्ट 4 सीखने वाले हैं। देखिए, पार्ट 4 इसका नाम क्या है? बर्तन, धान्य आदि। बच्चों, आपको भी मेरे साथ वस्तुओं के नाम हिंदी और गुजराती में पढ़ने हैं। बच्चों, आपके घर के किचन में भी बर्तन होते हैं तो आप उसे तो जानते ही हैं। यहाँ हमें वस्तुओं के नाम पढ़ने हैं, जो बर्तनों के नाम दिए हुए हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम। देखिए, पहला चित्र है थाली। तो गुजराती में आने शू कहूँ? थाली। थाली हिंदी में कहेंगे, गुजराती में शू कहूँ? थाली। आगे संडसी, यह कौन सा चित्र है? संडसी। गुजराती में आने कहूँ? सांडसी। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। आगे देखिए कटोरी। तो गुजराती में आने शू कहूँ? वाटकी। कटोरी, वाटकी। आगे यह क्या है? चकला। क्या कहेंगे इसे? चकला। गुजराती में आने शू कहूँ? आड़नी, जिस पर रोटी बनाई जाती है उसका नाम क्या है? चकला। और गुजराती में आड़नी। आगे देखिए बच्चों, यह क्या है? पतीला। पतीला हिंदी में कहा जाएगा, गुजराती में उसे क्या कहेंगे? तपेलू। गुजराती में शू कहूँ? तपेलू। ठीक है बच्चों, मेरे साथ पढ़िए और चित्र भी देखिए। इसके बाद क्या क्या है जानते हैं आप? बेलन। गुजराती में इन्हें शू कहिए? वेलन, जिससे रोटी बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ यह क्या है? चम्मच। बराबर है, क्या है, कौन सा चित्र है? चम्मच। हिंदी में क्या कहेंगे? चम्मच। गुजराती में इन्हें शू कहूँ? चमची। आगे यह क्या है? चूल्हा, जिस पर हम खाना बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चूल्हा, गुजराती में चूलो। हिंदी में देखिए चूल्हा कहा जाएगा और गुजराती में इन्हें शू केवाय? चूलो। आगे कौन सा चित्र है? प्याला। तो हिंदी में हम क्या कहेंगे? प्याला, प्यालो। गुजराती में हिंदी में क्या कहा जाएगा? प्याला। और गुजराती में, गुजराती में इन्हें शू कहूँ? अपने प्यालो, प्याला, प्यालो। आगे देखिए कौन सा चित्र है? यह है चाकू। हिंदी में क्या कहा जाएगा? चाकू। गुजराती में इन्हें शू कहूँ? अपने चप्पू। आगे बच्चों देखिए, यह क्या है? प्याली, प्याली। हिंदी में क्या बोला जाएगा? प्याली। गुजराती में अपने शू कहूँ? प्याली। गुजराती में पण प्याली ज कहेवाय। बराबर। आगे यह क्या है? चिमटा। बराबर है, चिमटा। और गुजराती में छिपियो, किसी वस्तु को सेकना है तो चिमटे का उपयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चिमटा, छिपियो। बच्चों, आपको भी
इस प्रकार वस्तुओं के नाम पढ़ने हैं और आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको एक बार अच्छे अक्षरों से इन सभी बर्तनों के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।